आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वर्गीय डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जी की स्मृति के उपलक्ष्य में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 30 जुलाई 31 जुलाई एवं 1 अगस्त 2021 को प्रतिदिन शाम 6 बजे 30वें डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी बीते वर्ष की तरह यह समारोह कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन किया जा रहा है। इस समारोह में शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य एवं नाट्य संगीत की प्रस्तुतियां की जाएगी। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरटार द्वारा दी गई। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस वर्ष यह कार्यक्रम लोकमान्य तिलक जी को केंद्र की ओर से समर्पित किया जा रहा है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। 30वें डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत समारोह का उद्घाटन 30 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हस्ते संपन्न होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ संगीतज्ञ एवं गुरु पंडित नारायण राव मंगोलकर और आकाशवाणी नागपुर के पूर्व अनाउंसर व लेखिका प्रभा देउस्कर को केंद्र की ओर से सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 30 जुलाई 2021 शुक्रवार को प्रथम प्रस्तुति पंडित जयतीर्थ मेउदी द्वारा शास्त्रीय गायन की होगी। पंडित जयतीर्थ मेउदी हुबली धरवाड़ कर्नाटक के संगीत में भूमि से ताल्लुक रखते हैं। वे आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की एक श्रेणी के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। इन्होंने कई समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी है। पंडित जयतीर्थ मेउदी कई पुरस्कारों से सम्मानित है। इन्होंने कई मराठी एवं कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खिरवड़कर एंड डायरेक्टर साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर, जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। केंद्र की ओर से गत 29 सालों से विदर्भ के प्रख्यात गायक डॉक्टर वसंतराव जी देशपांडे, इनकी स्मृति में एक भव्य शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल यह महोत्सव का 30वां साल है, 38th ईयर ऑफ द महोत्सव। इस साल की और एक विशेष बात ऐसी है कि इस साल हम अपने देश के 75वें स्वातंत्र्य महोत्सव का अपन मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता का। तो इस बार यह देशपांडे स्मृति संगीत समारोह जो है वो 30 जुलाई 31 जुलाई तथा 1 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त को हम सबको मालूम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह महोत्सव तिलक जी को हम समर्पित करने जा रहे हैं। द्वितीय प्रस्तुति पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी द्वारा संतूर वादन की दी जाएगी। पंडित जी का जन्म श्रीनगर में कश्मीर के प्रसिद्ध सूफियाना घराने के संगीतकार के परिवार में हुआ था, जो देश का विशिष्ट पारंपरिक संतूर परिवार है, जिसकी जड़ें 300 वर्षों में 9 पीढ़ियों से चलती आ रही है। सदियों पुरानी शैव सूफी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए पंडित जी को संतूर में उनके दादा महान मास्टर संगीतकार पंडित संसार चंद सोपोरी जी और बाद में उनके पिता महान संगीत मास्टर पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी द्वारा शिक्षा दी गई। संगीत क्षेत्र में अपने विशाल योगदान के लिए पंडित जी को सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि अलंकरण और प्रतिष्ठित पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जम्मू कश्मीर सरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नागरिक पुरस्कार, साहित्य के डॉक्टरेट सहित उपाधियां प्राप्त हुई है। दिनांक 1 अगस्त 2021 रविवार को संपदा माने एवं समूह द्वारा महफिल नाट्य संगीताची इस संगीत में कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, पंडित बाल गंधर्व, पंडित जितेंद्र अभिषेकी एवं पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी द्वारा गाए गए नाट्य गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।